गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। चलो मैं आज डिफरेंट एग्ज़ाम लाइक गेट ईएस या जो भी एजेई आ रहे हैं उसके लिए मैं आपको सिग्नल सेंस सिस्टम का कुछ ओवर भी दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर फोकस करना है और किन एरियाज को आपको रेडी करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपसे। इसमें अगर आप देखते हो जनरल वे में तो सिर्फ बेसिक्स यहाँ पे कुछ और आपके फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए मैंने आपको पूरा सीरीज हुआ और ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और कुछ मिसेलियस। तो बस इन्हीं एरियाज को आपको देखना है। जस्ट आप शॉर्ट में अगर रिवाइज करना चाहते हो सिलेबस को तो इनके, ठीक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ फिर बेसिक्स का, तो बेसिक्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स में कवर होते हैं, जैसे कि बेसिक्स आपके सिग्नल हुए और बेसिक्स सिस्टम का प्रॉपर्टी हुआ और उस पर आपका क्वेश्चन आता ही, ठीक है। तो जहाँ तक बात करूँ मैं बेसिक्स का आपसे, बेसिक का तो बेसिक में क्या है, बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड बेसिक्स ऑफ सिस्टम, इसको आपको थोड़ा देख लेना है। और बेसिक्स ऑफ सिग्नल में क्या है कि जो भी हम लोग के सिग्नल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो सिग्नल हुए आपके, ठीक है, जो भी आप कहते हैं इसमें स्टार्ट स्टेप है ना, इम्पल्स जो भी, बस यहाँ से आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना है और इसका अप्लाई कहाँ करते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये देखना है, ठीक है। और भी जो आप कहते हैं जैसे कि मान लो पैराबोलिक सिग्नल हुए या और भी जो सिग्नल हुए जहाँ पे अप्लाई करते हो आप उसको देखना है, ठीक है। और फिर अगर आप बात करो सिस्टम का तो सिस्टम आपके जो भी सिस्टम हुए जैसे कि एलटीआई सिस्टम हुआ, ठीक है, या नॉन एलटीआई सिस्टम हुआ आपका, तो इसको देखना है आपको। अब एलटीआई सिस्टम में क्या है आपके पास, यहाँ पे एलटीआई सिस्टम का मीनिंग ही है आपका लीनियर टाइम है ना, इनवेरिएंट। तो इसके बस कुछ आपको प्रॉपर्टी आपको देखने हैं और उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है जैसे कि आपका मान लो लीनियर हुआ, ठीक है, या टाइम इनवेरिएंस हुआ, तो वो कैसे आप देखते हो, तो वो कैसे आप देखते हो, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर आपने बेसिक्स में, तो बेसिक में बस ये है कि जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं प्रीवियस ईयर उन क्वेश्चंस को आप देखो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो मेनली आपने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन होते हैं इर्द-गिर्द इम्पल्स रिस्पॉन्स या इम्पल्स जो सिस्टम है उसके इर्द-गिर्द, ठीक है। तो इम्पल्स के बारे में आप अच्छे से मतलब देख लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मतलब अपना जेन्युइन सारे इंटरव्यू में आपसे इम्पल्स के बारे में पूछे जाएंगे, इम्पल्स सिग्नल है क्या और इम्पल्स ज़्यादा मैं बात करूँ, इम्पल्स सिग्नल जो है आपका इम्पल्स के बारे में आपको मतलब पूरे डेप्थ आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊँ अपने इसरो इंटरव्यू का, तो इसरो और बीआरसी जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे मुझे हमेशा इम्पल्स के बारे में पूछा गया और इम्पल्स आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आपके होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे लाइक कि इम्पल्स है ना वो प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है और प्रैक्टिकल फीजिबल है या नहीं है और इसका जो जो एक्सप्रेशन है हम लोग के मैथमेटिकल, जैसे आप अगर इसको रिलाइज करना चाहो मतलब इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि आपका कोई अगर रेक्टेंगल फंक्शन है, ठीक है, उसका भी अगर कम करो तो इस टाइप से ये इसका है। बाकी अगर मान लो आपका कोई अगर सिग्नल है जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका भी अगर आप इस तरीके से मतलब बेसिकली आपको प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर आपका रिस्पॉन्स है, जैसे मान लो आपका ये सिस्टम है, ठीक है, अब इस सिस्टम अगर आप देते हो एक स्क्वायर फंक्शन या मान लो आपका अगर डाउ विथ का अगर मान लो डाउन विथ का अगर आपका सिग्नल है तो इसको कैसे आप रियलाइज करोगे, ठीक है, इसका आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि होता है सिंपल की रेक्टेंगुलर ये हुआ,
ए टाउ रेक्टेंगुलर डी बाई टाउ मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आपको जो है टाउ है, इस टाउ को आप जितना लेस करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे फिजिकली समझाना पड़ेगा कि ये इम्पल्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इम्पल्स को आप हर एक तरीका से, चाहे आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन हो, चाहे आपका ट्रायंगुलर फंक्शन हो, तो किसी फंक्शन किसी से भी आप वहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप किसको भी बता सकते हो कि आपका अगर इसका अगर आपका सिंक फंक्शन है तो सिंक से भी आप कर सकते हो रियलाइज को, ठीक है। तो ये भी आपको, अब यहाँ पे क्या है कि इस सिंक का जो एम्पलीट्यूड वो वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे जस्टिफाई करोगा। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आप सिंक का लिखोगे मीन्स सिंक का जो होता है फंक्शन, वो सिंक में आप इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को आप चेंज करके वहाँ पे आप इसको इम्पल्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करो इम्पल्स। तो ये आपका जो है, ये आपका मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके वहाँ ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए फिर मैं बात करता हूँ आपका डिफरेंट स्पेक्ट्रम, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे आपका मेनली फूरियर सीरीज हुआ, ठीक है, एंड डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये आपके सारे टूल्स हैं, ठीक है, सारे टूल्स हैं आपको किसी भी सिस्टम का अगर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करना है आपको, तो आपको इन टूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगर मान लो जैसे कि अगर आप देख लो किसी एग्जाम में अगर आपको देखना है इसलिए क्वेश्चन, तो सिंपल जो आपका फार्मूला है सारे, है ना। और मेनली यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज एंड फार्मूला, बस ये यहाँ पे आपका एग्जाम के लिए बस ये है, ठीक है। एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो